मालूम क्या तुमने साबित कर दिया कि तुमने ये भी तुमने ये कसर भी है कि तुम कोई तुमने धोखा दे और तुम्हें बेवकूफ बनाए तो बच जाते हो बेवकूफ और गलत काम कर लेते हो लोगों के बहकाने से। तो अब तो आपको ये माफ कर दिया है लेकिन अब इम्तहान होगा और जो लोग सही निकलेंगे जो गुरेज करेंगे कोई बहकायत न बचे कोई गलत बात सिखाए तो न सीखे और इताहत पूरी इताहत करें उनको तो हम वापस लेंगे और नहीं तो फिर वापस यहाँ भी ये जगह ऐसे लोग की नहीं है कि जो उनमें ये गंदगी हो उनमें ये खराबी हो वो यहाँ नहीं रह सकते यहाँ वही रहेंगे जिनमें ये खराबी ना हो ये गंदगी हो। तो जाओ तुम भी जाओ ठीक है और जिससे तुम पैदा किए गए हो अब वहीं जाओगे और वहाँ से तुम साबित करो तुम जमीन की आलूगी से तुम मुतासर नहीं होंगे और जमीन की आलूगी से तुम महसूम रहोगे। ये सूरह वस्तीन में कहा गया है कि इंसान को हमने बेहतरीन मिजाज बेहतरीन खसूसियात के साथ पैदा किया है आसन तकवीम फिर उनको जमीन की तरफ लौटा दिया तो वहां से उठो तुम वहां से यही है कि तुम वहां से उठो वो गंदी जगह से तुम अपने को निकालो ये नहीं है कि तुम यही बगैर किसी उसके मुफ्त में हो जाए अब तुम्हें साबित करना होगा इसलिए तुमने एक मतलब दिखा दिया कि तुम इन चीजों में मुबला हो सकते हो तो इस मशकूक हालत में तुम यहाँ नहीं हो तो जमीन में जाओ जहाँ तुम पैदा किए गए हो वहाँ फिर वहाँ तुम उठो और कोशिश दिखाओ कि तुम अपने को इससे बुलंद करना चाहते हो ताकि तुम यहाँ के लायक हो। अब जब तुम उसको साबित करोगे तो यहाँ इस मकाम में से किस आलम में तुम्हें लिया जाएगा यानी जन्नत आलम में और नहीं तो फिर जो हाल इब्लीस का है और यूँ भी तुम्हें इंतजार क्या मिल सकता है तुम उसकी से बनाए गए हो इस चीज से बनाए गए हो तुम्हारे क्या इंतजार तो तुम साबित करोगे तुम वरना गरीब का ठिकाना तुम्हारा ठिकाना साथ में यार लेकिन अल्लाह ताला ने जो रहमान और रहीम है उसने बहुत ऐसे इंतजाम फरमाए कि जिससे इंसान बच सके तबाही से और उस और जहन्नम वाले आलम में जाने से बच सके क्योंकि जब उनमें खराबियाँ शुरू हुई तो नबी भेजना शुरू किया उनमें जो अल्लाह ताला की नज़र में अल्लाह ताला ने जिसको ऐसा बनाया होता है जिसके अखलाक किरदार भी बहुत आला होता है उस पर अल्लाह ताला नबी बना देता है नबी बनाकर फिर अल्लाह ताला हिदायत जाती है और हुक्म आते हैं और उसका काम जो होता है कि अपनी कौम को समझाए तुम इन आलूदगियों से अपने को निकालो वरना तुम नुकसान में रहो और देखो अगर तुम इसमें जिद करोगे और धांधली अख्तियार करोगे तो फिर अजाब इस आलम में ही अजाब आ सकता है ना से सजा तो आखिरत तो मिलेगी लेकिन जो हाथ पानी सब से ऊँचा हो जाएगा और तुम धांधली करोगे और रबियों को परेशान करोगे जाने वाले को परेशान करोगे और उसको मार डालने तक तुम पहुंच जाओगे तो फिर यहाँ भी सजा होगी तुमको यहाँ भी तुम सजा करने जाओगे और आखिरत से सजा रहेगी। हसनू अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ताला करता है लाइन पहले तो हसनू अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक समझाया और उनकी कौम बहुत परेशानी में मुबला थी और सारी खराबियों में मुबला थी सारी खराबियाँ हो सकती हैं दूर कपड़े और एक दूसरे का जाती अंकल की
सादगी और अकल सब चीज़ें जो अल्लाह ताला बना पसंद है समझाते रहे समझाते रहे। अब वो समझाने लगे जाओ तो वो लोग गिरने लगे, क्या तुम समझाते हो जाओ अपने काम को। वो समझाते थे 9.5 साल तक उन्होंने समझाया। लंबी उम्र उनकी और फॉर्म की भी उम्र सबकी उम्र लंबी होती होंगी। उसके आखिर में तुम्हारे सलाम तंग आकर अल्लाह से कहा और वो डर हूँ जो कुछ कर सकते अच्छा समझाया डराया भी और खुले खुले आम कहा और निजी मुलाकात को भी समझाया जिसके तरीके हो सके समझाने के। लेकिन उनकी इनकी खानगी और इनकी जो शोरपसंदी है वो नहीं जाती, इसलिए आप ये तो ये इस लायक नहीं है कि इनके साथ में जाए। ये तो इनसे जमीन पार कर दी जाए, जमीन गंदी हो रही है इनकी वजह से। और कोशिश सब हो चुकी, अब कोई उम्मीद नहीं है, इसकी उम्मीद वजह लग रही थी। अल्लाह जाने का थी तुम किश्ती बनाओ, किश्ती बनाकर हम लोग उसका मजा पा सकते कि किश्ती क्या किश्ती बना रहे कब से हम बड़े ही होते हैं कि किश्ती कहाँ चलेगी, क्या आप ये बाहर में चलाएंगे ये करेंगे तंग कर। थोड़ा खराब आया किश्ती इसलिए अल्लाह ने बनवाई कि उस किश्ती के जरिए से हजूम सलाम उनसे मानने वालों को उस तैराब को बचा दिया। लोन तो सैलाब आया ऐसा ही पहाड़ और बाहर भी डूब गए वहाँ जानते थे बच सकता था। उनको अगर बचाना चाहता था उनके लिए किसी बनवाई थी और उसमें वो लोग बच गए। किसी जाकर एक पहाड़ पर ठहरी पानी आता था तो गया उसकी आबादी फैली। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ताजिश कौमों और नबियों का हाल बयान किया। आखिर का आखिर के जो उनके कौमें जिनका जिक्र अल्लाह ने किया उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इराक की हिजरत की उनको जो गौरतंग किया गया और मार डालने की कोशिश की गई वहाँ चढ़ा, उन्होंने दावत दी लोगों को और इलाह की लेकिन कोई कारुआ तो उन्होंने कहा हम छोड़ के चले जाएंगे इस बच्चों में हम नहीं रह सकते जहाँ अल्लाह की नाफरमानी है और उनके सिर में रहता। आकर यहाँ शाम में उन्होंने क्याम किया। उनके साथ हिंदू अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे वो भी उनका ईमान ले आए थे, वो भी उनके साथ हिजरत करके आए थे। तो ये हजरात तो नबी थे इसलिए इनका काम ही ये था कि लोगों को समझाया जाए और लोगों को राय रात पर लाया जाए दावत दी जाए। हजरत अलैहिस्सलाम को करीब के इलाके में वहाँ फॉर्म थी, उस फॉर्म में उनको अल्लाह ताला की तरफ से मजबूत कर दिया गया कि उनको समझाओ। उस फॉर्म की खराबियाँ सारी पसी जो इंसानी खराबियाँ होती हैं गंदगी झूठ बोलना फरेब देना धोखा देना और गलत हराम हलाल स्वर्ग नहीं मजाक उड़ाना और तंग करना लोगों को, मजीद बात ये थी कि वो आने जाने वालों को तंग करते थे परेशान करते थे लूट लेते थे और यानी गुंडागर्दी का एक माहौल था। और मजीद में हम इसी की खराबी थी बस और काम करते थे और ये बात उनमें इतनी बढ़ गई थी कि बिल्कुल मिसाल चलती फुल फॉर्म इस शौक में थी फिक्र में थी। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत बात आगे बढ़ गई तो अल्लाह ताला के फैसला हो गया कि इनको रजा मिल जाए। इसका जिक्र है जो आज यहाँ से पढ़ी गई थी तो फरिश्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ये अल्लाह ताला के यहाँ यह निज़ाम है कि नबियों के साथ मामला इकराम का होता है क्योंकि हज़रत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नतीजे भी थे और उन्हीं के मातहत वह काम कर रहे थे उन्हीं के मुकर करता थे। इसलिए अल्लाह ताला ने अज़ाब का फैसला फरमाया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस पर अज़ाब आए। फरिश्ते आए अच्छे वो जमाना आता था पहले जमाने में जैसे हमने कल जिक्र किया था ये मेहमान की खातिर जरूरी समझी जाती थी
और जो लोग नहीं करते भगवान के खाते भगवान को ठहराते नहीं थे हम, उनको बहुत बुरा समझा जाता था कि रवाज था, इसलिए इससे बगैर जिंदगी चल नहीं सकती थी। कहीं जाना है, सफर करना है, रास्ते में होटल होगा तो है, अगर उसको कोई भगवान नहीं बनाता तो क्या करेगा। तो ये काम रवाज था और ये इंसानी हुआ कि सिफत थी। तो वो पहुंचे अच्छा, क्योंकि मेहमान की खातिर डूबी समझ जाती थी, क्योंकि मेहमान से पूछते नहीं थे कि तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, और फौरन उसको ठहराते थे और खाने का इंतजाम करते। ये एक कायदा था। सुनाई में लोग जब पहुंचे तो सुनाई सलाम ने देखा कि कई आदमी मुहतरम मालूम होते हैं, फौरन गए और जाकर उन्होंने जानवर विवाह किया और याद रखी जल्दी से लाए। अब वो जो बातें कर रहे थे, जैसे हल्ला कोई आता है तो बात कर सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कहेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये आएंगे जरूर, तो उसको बिठाया, इकराम किया, ये नहीं पूछा कि क्यों आए हैं, कहाँ से आए, ये अदब के खिलाफ समझा जा सकता है। मैं वहाँ से भी पूछ रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अच्छे वाते में मुजफ्फरी आए मालूम करने के लिए, अल्लाह डाले तो हरम में थे, अली ने सही जगह उनको देखा कि मेहमान मालूम होते हैं, आए हुए बाहर के मालूम होते हैं, उसने कहा आइए सही, घर ले गए, खाना वाना खिलाया, रात को रहे और छुट कर लिया। दूसरे दिन देखा वो फिर बैठे, सोचा कि शायद उनका काम नहीं हुआ होगा, नहीं गए, फिर उनको ले गए टीचर रोड, टीचर रोड उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हैं, क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमने सुना है कि साहब गली होने का उन्होंने दावा किया है, उसको पहले हम जानने के लिए। तो ये कायदा तो गालिबान हर इब्राहिम साहब ने इसलिए उनसे ही पूछा होगा, मुसलमान हम जो खाना पेश किया तो नहीं खा रहे हैं, तो खरीदते थे तो खाना खा रहे हैं। उन्होंने बस ये बताया कि वहाँ साथ आए हैं और ये कौम रोज पर अजाब का फैसला हुआ है, तो हजरत को ख्याल हुआ कि अल्लाह ने फैसला करवाया तो क्या उम्मीद था रूस भी, रूस का खानदान का वहाँ भी रूस है, नहीं अल्लाह को मालूम है और उसको अल्लाह बताएगा, उनके लिए अल्लाह तला इंतजाम कर देगा, वो बच जाएंगे, लेकिन उनकी कौम मारी जाएगी और उनकी बीवी, लेकिन वो कौम की ही मिजाज की है और लोगों से बनी है इंसान। उस जमाने में काफिर और मुसलमान में शादी होती थी, इसीलिए फिरौन की बीवी और सफी और मुसलमान हसनू की बीवी और वो हसनू की बीवी बहुत खराब थी, भी बहुत सारा। तो कहा उनका कि नहीं मल्ला सारा ने इंतजाम करेगा, वो बचेंगे लेकिन उनकी बीवी नहीं बचेंगी, वो उनके साथ कौन के साथ। उसके बाद वो ये थोड़ा ऐसा पड़ा होगा, इस्लाम पर ये अल्लाह कहूँ तुम